स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन में कई बार ऐसा होता है, एक सेंटेंस को कई तरह से पूछा जा सकता है। जैसे आई एम टॉलर देन यू, इसका मतलब है मैं आपसे लंबा हूँ। तो ये डिग्री है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव से इसको पॉजिटिव में बदला जाता है। दूसरी बात ये होती है, ये सेंटेंस है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव से इसको निगेटिव किया जाता है। तो इसको, इसी सेंटेंस को कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदलने के लिए कहा जा सकता है और अफर्मेटिव से निगेटिव बदलने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन सेंटेंस वही रहेगा। दो तरह से इसको पूछा जाता है। तो आई एम टॉलर देन यू का मतलब है मैं आपसे लंबा हूँ। तो इसको बनाएंगे, तुम उतने लंबे नहीं जितना कि मैं। तो नॉट लग गया, यू आर नॉट सो टॉल एज आई। इसका मतलब तुम उतने लंबे नहीं हो जितना कि मैं। सो माने उतने, और एज माने जितना। तुम उतने लंबे नहीं जितना कि मैं, तो सेंटेंस ये निगेटिव हो गया है। तो एक तो अफर्मेटिव से निगेटिव बदला जा सकता है, दूसरे इसमें टाल जो डिग्री आ गई है वो पॉजिटिव डिग्री है, जबकि टालर में ई आ लगा, ये कंपैरेटिव डिग्री थी। तो कंपैरेटिव को पॉजिटिव में और अफर्मेटिव को निगेटिव, दो तरह से इस सेंटेंस को बदला जा सकता है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस, दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, यूरोप इज नॉट एज बिग एज एशिया। यूरोप इतना बड़ा नहीं जितना कि एशिया, तो एशिया ही बड़ा रहेगा। इसका सेंस, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है सेंस न बदले। तो एशिया इज, अब इसमें नॉट है तो हटाएंगे, इसमें नहीं था तो बड़ा था, तो इसमें इसको अफर्मेटिव कर देंगे, नॉट हटा देंगे, एशिया इज, और बिग का कंपरेटिव लगा देंगे, बिगर देन यूरोप। इसका मतलब एशिया यूरोप से बड़ा है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हैं जो आप एक्सरसाइज बुक से कर सकते हैं।